जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे और आज बोल में हम इन दो मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर एक, मुर्शिदाबाद में आरएसएस से जुड़े एक कार्यकर्ता और उसके परिवार की हत्या और भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक सियासत। और मुद्दा नंबर दो, महाराष्ट्र के वर्धा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रधानमंत्री को खत क्या लिखा, उसमें से 6 छात्रों को यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया गया। इन छात्रों की चिंता सिर्फ इतनी थी दोस्तों कि देश के अंदर भीड़ की हिंसा बढ़ रही है, किस तरह से सत्ता से जुड़े जो राजनेता हैं वो खुलेआम लड़कियों का बलात्कार करते हैं और उन पर आंच तक नहीं आती, इस गुनाह के लिए उन 6 छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया है। और इत्तेफाक यह है कि ये 6 से 6 जो छात्र थे वो अति पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट छात्र थे। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक सियासत की। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप यह तस्वीर इस वक्त अपने स्क्रीन पर देखें। यह है बंधु प्रकाश, उसकी पत्नी और उसका 8 साल का बेटा अपने खुशहाल दिनों में। मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके सामने बंधु प्रकाश, उसकी पत्नी और उसके बेटे के खून से सना चेहरे वाली तस्वीरें भी आ चुकी होंगी, मगर मैं वो तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा। मैं वो तस्वीरें इसलिए नहीं दिखाऊंगा दोस्तों क्योंकि इन तस्वीरों को भी देखकर किसी का भी दिल हिल जाएगा। ये इस परिवार की खुशनुमा दिनों की तस्वीरें थी। मगर हो क्या रहा है? हो ये रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों इस पर शर्मनाक सियासत कर रही है, खासकर बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस के गुनाह को तो शायद माफ भी किया जा सकता है, मगर बीजेपी जिस तरह की गंदी और घटिया सियासत कर रही है वो अक्षम्य है, वो नाकाबिले माफी है। क्योंकि जब से बंधु प्रकाश और उसके परिवार की हत्या सामने आई है वो इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। केंद्र में बैठे बड़े बड़े नेता, मंत्री इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अब धीरे धीरे बात सामने उभर कर आ रही है कि राजनीतिक मामला नहीं है, संभवतः निजी रंजिश का मामला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस का क्या कहना है। पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि कनाईगंज जयगंज पुलिस स्टेशन मुर्शिदाबाद में एक परिवार के 3 सदस्य मारे गए, यह दुखद घटना है। जांच शुरू हो चुकी है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी जांच की जा रही है। अब तक यह पता चला है कि मृत व्यक्ति यानी बंधु प्रकाश पाल जो हैं वो एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट था और उसके साथ उसे बहुत जबरदस्त आर्थिक प्रॉब्लम्स थे। उसके परिवार के सदस्यों ने सिरे से इस बात को खारिज किया है कि उसके ताल्लुकात किसी राजनीतिक दल से थे। अभी एक डायरी नोट मिली है और उससे स्पष्ट हो जाता है कि परिवार के अंदर गंभीर मतभेद थे। सीआईडी भी अब इस मामले की जांच कर रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कह दिया है कि इस मामले के पीछे सियासत नहीं है। मगर मैं पुलिस की बात का विश्वास नहीं करता हूं दोस्तों। मैं पश्चिम बंगाल पुलिस की बात का विश्वास नहीं करता, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात का विश्वास नहीं करता और दिल्ली पुलिस की बात का विश्वास नहीं करता। मगर इस वक्त आपके स्क्रीन पर मायापाल हैं, 68 वर्षीय मायापाल। कौन मायापाल? यह है बंधु प्रकाश की मां। मायापाल क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। मायापाल कहती हैं कि वो एक सफेद कागज की तरह था। आपको किसने बता दिया कि वो बीजेपी का सदस्य था? वो ना बीजेपी ना तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है और आरएसएस से तो कभी भी नहीं जुड़ा था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बंधु प्रकाश के जो ममेरे भाई थे यानी कि जो उनके कजन थे वो भारतीय जनता पार्टी नेता दिलीप घोष, ये शख्स दिलीप घोष की बात को किस तरह से गलत साबित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कल मेरे दिलीप घोष ने कहा कि मेरा भाई बीजेपी परिवार से जुड़ा था। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ हमारे परिवार से जुड़ा है। मैंने उसे बचपन से देखा है, मेरे ममेरे भाई होने के साथ साथ वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। जब भी हम राजनीति की बात करते थे वो चला जाता था। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं
कि उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक कलह चल रही थी। तो शर्मनाक बात यहां सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि बंधु प्रकाश गुप्ता की मौत इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी के अंदर एक आंतरिक कलह चल रही थी। हालांकि चाहे दिलीप घोष हो बीजेपी नेता या फिर आरएसएस, दोनों का कहना है कि वो हाल ही में आरएसएस में शामिल हुए थे, वो इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं थे। शर्म की बात यह है दोस्तों कि एक मामला जो अब तक निजी मामला है उसको सियासी रंग दिया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि भविष्य में इस मामले का कोई राजनीतिक लिंक जुड़ता है या नहीं जुड़ रहा है, मगर अब तक जो बात सामने उभर कर आई है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा आज आप और हम सब कुछ शपथ खाते हैं। शपथ नंबर एक, कल को अगर यह पता चला कि इस हत्याकांड के पीछे कोई राजनीतिक हाथ था और अगर ममता बनर्जी सरकार का कोई भी मंत्री किसी ऐसी रैली में शामिल होता है जिसमें हत्यारों को समर्थन दिया जा रहा होगा, तो हम ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह जब आपको याद होगा कि जम्मू के कठुआ में एक 8 साल की मासूम का बलात्कार हुआ था और ये दो बीजेपी नेता बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाल रहे थे। शपथ नंबर दो, मैं शपथ लेता हूं दोस्तों कि कल को अगर इन हत्यारों का कोई राजनीतिक लिंक निकल कर आता है और कल को इन हत्यारों में से किसी की मौत हो जाती है और अगर उन हत्यारों के शव को तिरंगे से लपेटा जाता है, तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं ममता बनर्जी सरकार का विरोध करूंगा, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि अखलाक की मौत के दौरान उनमें से जब एक हत्या के आरोपी की मौत हो जाती है तो इस तरह से महेश चंद्र शर्मा, जो कि उस वक्त पर्यटन मंत्री थे, सांसद हैं इस वक्त नोएडा के, वो सम्मानित कर रहे थे। मैं शपथ लेता हूं कि अगर हत्या के आरोपियों का कोई राजनीतिक लिंक निकल आता है और कल को अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई मंत्री, कोई विधायक अगर हत्यारों को के गले में माला पहनाता है, तो मैं उसका विरोध करूंगा। बिल्कुल इसी तरह जब जयंत सिन्हा ने झारखंड में भीड़ की हिंसा के आरोपी नहीं, गुनहगारों को सम्मानित किया था। मैं ये मिसालें आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों? मैं आपके सामने मिसालें इसलिए रख रहा हूं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर सियासत करना चाहती है, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखाएं नहीं है। 2014 से पहले हत्यारा सिर्फ हत्यारा होता था, बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी होता था, मगर 2014 के बाद वो हिंदू हो गया है, वो मुसलमान हो गया है, वो तृणमूल कांग्रेस का सदस्य हो गया है और वो बीजेपी का सदस्य हो गया है, और आम जनता भी बिल्कुल उसी हिसाब से ऐसे मुद्दों पर अपनी राय देती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। अब मैं आपके सामने कोई ट्रोल्स नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के ट्वीट्स आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो शर्मनाक है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि केंद्र में मंत्री रविशंकर प्रसाद जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं आरएसएस के कार्यकर्ता की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं। वो हत्याकांड जिसमें उनकी पत्नी और बच्चा भी मारा गया, मैं उम्मीद करता हूं, गौर कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो उदारवादी हैं वो भी इसे विभत्स पाएंगे, इसे जघन्य पाएंगे और इस मौके पर इसकी आलोचना बेशक ना करें मगर परिवार को अपनी सांत्वना देंगे। यहां पर उन्हें उदारवादियों को घेर लिया। अब गौर कीजिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। चेतावनी, बहुत ही खतरनाक वीडियो है जिसने मेरी अंतरात्मा को हिला दिया। आरएसएस कार्यकर्ता बंधु प्रकाश, उनके 8 साल का बच्चा और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को बुरी तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मार दिया गया था। एक भी शब्द उदारवादियों ने, लिबरल्स ने नहीं कहा और किसी ने भी ममता बनर्जी को खत नहीं लिखा। इस पर बाबुल सुप्रियो जो कि पश्चिम बंगाल से सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, भाई ये उदारवादी कुछ नहीं करेंगे, ये कोई लेटर नहीं लिखेंगे जब तक इन्हें कोई स्पॉन्सर प्रायोजित ना करे। देखा आपने,
ये तीनों जो कि मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, अब ध्यान भटकाने के लिए उदारवादियों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जब विक्टिम हिंदू होगा तो उदारवादी या बाकी पत्रकार जो कि सरकार से सवाल करते हैं वो खामोश हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने इस झूठ को एक्सपोज करना चाहूंगा दोस्तों। मुद्दा नंबर एक, अगर कठुआ के मामले में, अगर अखलाक के मामले में, अगर पहलू खान के मामले में उदारवादी या मेरे जैसे पत्रकार सरकार से सवाल कर रहे थे तो इसलिए नहीं क्योंकि विक्टिम मुसलमान थी, नहीं, हम सवाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस वक्त हत्यारों के पक्ष में, बलात्कारियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में उभर कर आए थे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। अब मैं आपके झूठ को फिर से एक्सपोज करूंगा। इन दो शहरों पर गौर कीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद। एक स्वामी है, हालांकि मुझे इसे स्वामी नहीं कहना चाहिए, एक स्वामी है जिसका सीधा ताल्लुक हमारे धार्मिक भावनाओं से है और दूसरा विधायक है जिसकी जिम्मेदारी है हमें सुरक्षा देना, मगर ये दोनों गैंग रेप में शामिल हैं। और गैंग रेप किसका हुआ जानते हैं आप? किसी मुसलमान लड़की का नहीं हुआ, गैंग रेप हुआ है दो हिंदू लड़कियों का, और जहां तक मैं जानता हूं इनमें से एक ठाकुर लड़की है, एक ब्राह्मण लड़की है। मेरे जैसे पत्रकारों ने जब योगी सरकार पर सवाल किए थे तो इसलिए नहीं किए थे क्योंकि विक्टिम जो है वो मुसलमान था, नहीं, क्यों? क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी का संरक्षण मिल रहा था, क्योंकि चिन्मयानंद को उत्तर प्रदेश पुलिस का संरक्षण मिल रहा था, इसलिए हम सवाल कर रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि मुसलमान जो है वो यहां पर विक्टिम था, यहां तो है भी नहीं। निर्भया कांड की हम बात करते हैं, पूरा देश उस वक्त आपको पता है सड़कों पर था, उस वक्त भी जो विक्टिम थी वो एक हिंदू थी ना, मगर उस वक्त कोई हिंदू या मुसलमान के मायनों में बात नहीं कर रहा था। 2014 के बाद दोस्तों सब कुछ बदल गया है। क्या हमें शर्म आती है? क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म आती है कि आज की तारीख में आप विक्टिम को हिंदू, मुसलमान, बीजेपी या कांग्रेस के मायनों में देखने लग गए हैं? मध्यप्रदेश का मंदसौर याद है आपको, एक मासूम का बलात्कार हुआ था, बलात्कारी मुसलमान था, मगर क्या आप जानते हैं कि मंदसौर में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि कल कोई आदमी मर जाए तो हम इसे दो गज जमीन की नहीं देंगे। उस वक्त उस बलात्कारी के पक्ष में ना कांग्रेस ने रैली निकाली थी ना मुसलमानों ने रैली निकाली थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों करती है। मैं आपके सामने सबूतों के साथ मामला रख रहा हूं दोस्तों। क्या कोई लक्ष्मण रेखा है? और मैं इनके दोहरे मापदंड को एक्सपोज करने के लिए आपके सामने यह घटना और पेश करना चाहूंगा। जहानाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान, दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो हिंदू जो हैं उन पर हमला होता है, इसमें एक हिंदू विष्णु यादव मारा जाता है और दूसरा बिट्टू यादव गंभीर रूप से घायल है। हमला करने वालों में जिसने गोली चलाई संभवतः मुसलमान होंगे, मगर क्या आपने इस घटना की गूंज कहीं पर सुनी? इसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि मामला बिहार का है जहां पर वो नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग ट्विटर पे हल्ला जरूर कर रहे हैं क्योंकि उनको मुसलमानों को गालियां देनी है। मैं भी आलोचना करता हूं उन लोगों की जिन्होंने विष्णु यादव और बिट्टू यादव को मौत के घाट उतारा था, मगर मैं ये घटना आपके सामने सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ इसलिए पेश नहीं किया गया दोस्तों क्योंकि मामला बिहार का है जहां पर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही है। सच कहूं दोस्तों तो मुझे दया आती है भक्तों पर, इन अंध भक्तों पर। आपको अंदाजा भी नहीं है कि उदारवादियों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, मेरे जैसे पत्रकारों के नाम पर जो इस सरकार से सवाल करते हैं आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है और आप मूर्ख बनते रहते हैं। आप दया के पात्र हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि आपको किस तरफ यह ढकेला जा रहा है, आपको किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और यही असर आपके अपने बच्चों पर पड़ रहा है। क्योंकि जब मां बाप आप जैसे होंगे, अगर बड़े भाई आप जैसे होंगे, अगर पति आपके जैसे होंगे, पत्नी आपके जैसी होगी तो जाहिर सी बात है आपकी सोच ऐसी होगी, आपके रिश्तेदारों पर भी वही असर पड़ेगा। अरे कहीं तो चीजों पर लगाम लगाइए,
कहीं पर तो घटिया सियासत पर लगाम लगाइए, मगर आप नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, बोल के लब आजाद है तेरे में आज मुद्दा नंबर दो है, वर्धा यूनिवर्सिटी में 6 छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया गया है और उनका गुनाह क्या है। वर्धा यूनिवर्सिटी के इन 6 छात्रों में, जिनमें ये छात्र या तो ओबीसी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, इनका गुनाह सिर्फ इतना था दोस्तों कि इन्होंने भीड़ की हिंसा और बलात्कार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ताकत जतलाई थी उन 49 लोगों के साथ जिनके खिलाफ, आपको याद होगा, फिल्मकारों के साथ जिन्होंने खत लिखा था प्रधानमंत्री को, फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था और फिर बाद में बिहार पुलिस ने उस एफआईआर को हटा दिया था, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने वाले जो वकील थे, केस दर्ज करने वाले जो वकील थे, उन्होंने कोई प्रमाण पेश नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा वर्धा यूनिवर्सिटी के इन छात्रों ने क्या मुद्दे उठाए। मुद्दा नंबर एक कि जिन लड़कियों ने कुलदीप सिंह सेंगर या चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की थी, उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। मुद्दा नंबर दो, कश्मीर और मॉब लिंचिंग्स, साथ साथ जात और धर्म के आधार पर जो भीड़ की हिंसा हो रही है, तबरेज अंसारी को जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया झारखंड में, दलितों पर जिस तरह से हमला हुआ भीमा कोरेगांव में, और दिल्ली में जिस तरह से रविदास मंदिर को डिमोलिश किया गया, तोड़ा गया, ये सब शर्मनाक है। और इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट, क्योंकि वर्धा यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, और इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हवाला देकर इन 6 छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा था। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि आप कैसे छात्र चाहते हैं, आप कैसे युवा चाहते हैं। कल मैं नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देख रहा था जिसका नाम था द वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड कहानी है ज़ॉम्बीज की, यानी कि इंसान मर जाता है और फिर जिंदा होता है, और फिर उसका एक ही काम होता है, वो है फ्लैश खाना, मांस खाना। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा युवा इसी तरह से ज़ॉम्बी बन जाए, जो ना सोच सके, ना बोल सके, ना कुछ कर सके? और अगर वो प्रधानमंत्री को सिर्फ खत लिखे तो आप उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दें? आपने इन 6 छात्रों का, हालांकि उन 6 छात्रों का यह भी कहना है कि करीब 100 छात्र शामिल थे उस प्रदर्शन में, वर्धा यूनिवर्सिटी की उस गेट के सामने जो वो प्रदर्शन हुआ था उसमें 100 छात्र शामिल थे, मगर सिर्फ इन 6 छात्रों को निष्कासित किया गया है। ये ओबीसी हैं और एससी वर्ग से हैं। मेरा प्रश्न यहां पर यही है कि क्या सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए आप लोगों को निकाल देंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? आपने उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, अब उनके पास विकल्प क्या है, उनका भविष्य कहां जा रहा है? क्या आपने ये सवाल खुद से किया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस देश में आपातकाल लगा था तो आज की भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उस वक्त मैदान में थे, आपातकाल का विरोध कर रहे थे। कल्पना कीजिए उस वक्त अगर इंदिरा गांधी सरकार ने इसी तरह से इन छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया होता, या उन सरकारी नौकरों को नौकरियों से निकाल दिया होता जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तब क्या होता? वाकई शर्म आनी चाहिए आपको। और आज इस बोल का मकसद ही यही था दोस्तों कि सियासत के नाम पर, अपने वजूद को बचाए रखने के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर घटिया सियासत करने को तैयार है। वो आपके भविष्य के साथ खेलने को तैयार है, वो आपको अंधभक्त बना रही है, मगर आपको इस बात का कतई अंदाजा नहीं है। मगर हमारे इस कार्यक्रम बोल के लब आजाद है तेरे का फलसफा यही है कि सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है उससे हम सवाल करते रहेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने लोकतांत्रिक दायित्वों को बेशक भूल जाएं, मगर हम यहां न्यूज क्लिक पर इसे कभी नहीं भूलने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।